फ्रिल्स बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे प्लीट्स लेंगे। प्लीट्स लेने के साथ साथ ये हमारा फ्रिल्स धीरे धीरे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जब हम फ्रिल्स बनाते हैं तो उसकी जो पट्टी लेते हैं उसका साइज़ जो है एक जैसा होना चाहिए, तो आपका फ्रिल्स एक जैसा खूबसूरत दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रिल्स हमारा रेडी हो चुका है, और ये जो पट्टी हमने बनाई थी इसको अब क्या करेंगे, एक 6 इंच के डिस्टेंस पे इसको कट कर लेंगे। इस 6 इंच की लेंथ है, इसको हम कट कर लेंगे और ऐसे कई सारी पट्टी बना लेंगे 6 इंच पर कट करके। और अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने बहुत सारे पट्टी को कट कर लिया है, और इस पट्टी का अब हम वो डिज़ाइन जो आपने देखा था फोटो में थंबनेल में, उसको हम इस तरह से बनाएंगे। पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे, और फिर उसको एक बार और फोल्ड करेंगे और उसको नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ा लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से बनेंगे। एक बार और आप देख लेंगे, इसको मैं अभी स्टिच करके बताता हूँ आपको, और फिर से आपको बताऊँगा कि इसको मैंने कैसे बनाया, ठीक है। तो जो हमने 6 इंच की पट्टी ली थी उसको लेंगे इस तरह से, फिर उसको एक फोल्ड ऐसे मोड़ेंगे, फिर एक राइट साइड में, फिर एक राइट साइड में, और फिर नीचे से लेकर ऊपर उसको चढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से, देखें। और उसके बाद हम स्टिच करके उसको बिठा लेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह का जो शेप बनाया है अभी, और इस तरह बहुत सारा बना लेंगे ऐसा उस पट्टी के, जितनी भी हमने पट्टी बनाई थी। उसके बाद हम स्लीव्स लेंगे, और स्लीव्स की जो मार्जिंग होगी हमारे स्लीव्स की लूजिंग, उस पर एक टक्स लगा लेंगे। टक्स लगाने के बाद और उसके बराबर में वहाँ से उस पट्टी को जो हमने फूल बनाया था एक तरह से, उसको हम उस पर रख के स्टिचिंग करते हुए चले जाएंगे। एक 1/2 इंच का डिस्टेंस लेंगे दोनों डिज़ाइन के दरमियान में, और उसको स्टिच करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से पूरे को बिठा लेंगे वहाँ पर, और जैसे देख रहे हैं आप, हम बिठा रहे हैं और इसी तरह से पूरे में एक एक करके बिठा लेंगे। तो देख सकते हैं आप कि हमने पूरे में वो जो डिज़ाइन बनाया था उसको बिठा लिया है। उसके बाद जो हमने फ्रिल्स बनाई थी उसको उस डिज़ाइन के ऊपर से फ्रिल्स को रखेंगे, और एक 1/2 टेंशन की सिलाई उस पर लगा लेंगे पूरे में, ठीक है। देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्टिचिंग है वो इस पर कंप्लीट हो गया हुआ, और उसके बाद हमने इसको आयरन से बिठा लिया है। आप आयरन से बिठाने के बाद इस पर एक किनारी सिलाई भी सिला सकते हैं, और ये जो साइड का बच रहा है उसमें हम एक पट्टी लगा लेंगे, इसको जो सेम कॉन्ट्रास्ट कलर का है ना उसकी पट्टी बना लेंगे, और उसको एक लेस टाइप से इस पर रख के बिठा लेंगे, ताकि जो हमने वो फ्लावर्स वाला डिज़ाइन लगाया वहाँ पर वो उठे ना, ठीक है। अगर उसको हम नहीं लगाएंगे तो वो उठने लगेगा और वो डिज़ाइन फिर किसी काम का नहीं लगा। तो ये पट्टी लगा लेंगे तो उससे उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और वो बैठ भी जाएगा एक जगह से, पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तैयार होने के बाद हमारा स्लीव्स जो है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये देखिए। तो ये थी आज की वीडियो में हमारा स्लीव्स डिज़ाइन, और आपको वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।